हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस टाइम पे दिन का खाना खाने के बाद फ्री टाइम पे मैं जो है अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो अभी भी खाना खा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनफैक्ट उनका भी खाना पीना जो है लगभग हो ही गया है, उन्होंने भी खा लिया है और इनसे पहले मैंने खा लिया, क्योंकि उससे पहले ये जो है पबजी खेल रहे थे आराम से और मैं यहाँ पर खाना खा रही थी। इन्होंने बोला मुझे दो हैंड खेलने देते, मैंने बोला चलो आज तुम्हारी मैं मजे कर ही देती हूँ, क्योंकि इनका केवल घर पर एक हफ्ता रह गया। एक हफ्ते के बाद ये चले जाएंगे ड्यूटी पे, इनकी छुट्टियाँ हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म, और एक डेढ़ महीने के बाद देखते हैं ये मुझे कब बुलाते हैं, मैं भी इनके साथ में जाने वाली हूँ, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए। और उसके बाद हम बड़े आराम से सुकून से रहेंगे, वहाँ मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इतनी बड़े बड़े पार्क है वहाँ पे हैदराबाद में, तो NTR पार्क वहाँ का बहुत बड़ा फेमस पार्क है, और भी कई सारे पार्क है वहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं। और सबसे बड़ी तो फिल्म सिटी है वहाँ पे, कभी मौका लगा तो वहाँ भी कोशिश करेंगे घूमने, क्योंकि वहाँ तो 5000 का एंट्री टिकट है एक पर्सन का, सिर्फ एंट्री टिकट 5000 का एक पर्सन, बाप रे। तो फिर अंदर का अलग लगेगा, तो उसके लिए तो पहले हम देखेंगे अपना बजट, उस हिसाब से फिर सोचेंगे कि वहाँ घूमने जाना चाहिए हमको या नहीं। लेकिन अगर गए कभी तो भाई वो वीडियो तो मेरी वायरल कर देना, क्योंकि इतना पैसा लगा के जाएंगे हम, इतना खर्चा करेंगे वहाँ जाके, तो तब तो देखना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। फिर आपको घर में बैठे बैठे वहाँ का सब कुछ दिख जाएगा, ये भी तो देखो, आप थोड़े से पैसे सेंड कर देना हमको, हम देख लेंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यू लेके आएंगे वहाँ का बढ़िया सा। पर अभी तो हम जा ही रहे हैं, कुछ टाइम वहाँ पे सेटलमेंट करने में लगेगा इनको, वहाँ जाके पहले तो मेरे लिए रूम लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। जैसे बीच में ये वापस आएंगे दोबारा, उसके बाद ही मैं इनके साथ में जाऊँगी, पहले तो ये खुद जाएंगे एक आध महीने, उसके बाद जब सेटलमेंट हो जाएगा तो बीच में एक हफ्ते के लिए मुझे लेने आएंगे और फिर चलेंगे सब साथ में, मैं भी, मेरा बेबी और ये, हम तीनों बहुत मज़े करेंगे वहाँ जाके, खूब मज़ा आने वाला है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इस बार तो इनके जाने का इतना गम, मतलब फिलहाल अभी तो नहीं है, नहीं तो पहले तो एक महीना ये आते बाद में थे, गम मुझे पहले से रहता था। अब ऐसा है कि चलो एक हफ्ता जो भी है साथ में रहेंगे, उसके बाद तो फिर एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद तो मैं खुद उनके साथ चली जाऊँगी, तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं पहले भी जाने वाली थी, काफ़ी टाइम पहले भी मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि मैं जाने वाली हूँ, लेकिन उस टाइम पर जो है कैंसिल हो गया था प्लान, उस टाइम पर तो मैं गई नहीं, लेकिन अब जो है फाइनल हो गया है इनके साइड से भी और मेरे साइड से, तो पहले से ही था कि भाई मुझे लेके चलो, तो हो चुका है। अब आराम से मैं जाऊंगी, मस्त घूमूंगी फिरूंगी अपने बच्चे के साथ, उसको भी पहली बार हम जो है हैदराबाद लेके जा रहे हैं, मैं तो एक बार पहले की भी गई हुई हूँ, एक बार ही गई ना मैं अभी तक, बस 2 महीने इनके साथ में पहले गई थी शुरुआती टाइम पे, एक तरीके से हनीमून मान लीजिए मेरा, शादी के 10 दिन बाद, नहीं 10 दिन बाद नहीं, मतलब 1-2 महीने बाद जब ये गए यहाँ से शादी करके, तो उसके 10 दिन बाद ये मैं भी उनके साथ में चली गई थी। तो मतलब शादी के बाद हम जहाँ पहले घूमने गए कहीं दूर, तो वो हैदराबाद ही था, तो वहीं हम घूमे, वही था हमारा हनीमून। इतना बढ़िया सुंदर सी जगह, इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। एक वो था ना वाटर वाला वाटरफॉल, क्या था वो, कौन सा, हुसैन सागर तो है ही, वो तो वो भी वही है। अच्छा, वहाँ पे एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है जो समुद्र के बीचे बीच में है, और समुद्र नहीं है वो, क्या है वो, सागर बोलते हैं उसको, तो सागर के बीचों बीच में है, और वहीं पे है हमारा एक और वाटरफॉल वाला बढ़िया सा एकदम, मैंने वहाँ का वीडियो भी बनाया हुआ है आई थिंक, पर वीडियोस तो बने ही हैं, शॉर्ट्स नहीं, मैंने नहीं ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने फ़ोटो खींची थी केवल, नॉर्मल वीडियो बनाई थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ डाला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा इस टाइम पे, मतलब यूट्यूब पे नहीं डाला है मैंने, और वैसे भी ये तो मेरा नया चैनल है, उस टाइम पे तो मैं शायद बनाती भी नहीं थी ना इतना, उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं बनाती थी, तो फिर चलो यार कोई बात नहीं, अब बनाएंगे मज़े मज़े से, बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाऊंगी मैं वहाँ का,
वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, हर जगह का व्यू दिखाऊंगी, हर जगह का बढ़िया बढ़िया व्लॉग बना के दिखाऊंगी। और शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे लोग आते जाते देखते रहें, उनके सामने भी बोलती रहूंगी। उसी टाइम पे माइक लगा के बढ़िया सा, अब वैसे भी हाँ वही तो वो वाला डायलॉग नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे। तो एक वीडियो आई थी, उसमें चार लोग जो हैदराबाद के थे, वहीं के हैं वो भी, तो वो कह रहे थे कि वो चार लोग जो है वो हम ही हैं, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तुमको जो करना है तुम करो, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब उन्होंने कह दिया है तो फिर हमको क्या जा रहा है करने में कुछ भी। उन चार लोगों से डरने की हमको जरूरत नहीं है। वैसे अरे मैंने अभी बंद कर दिया, मैंने फोन हटाया ना, वो बंद कर दिया, सॉरी मैं भूल गई थी, माफ करना मुझको राणा जी, माफ करना। चार लोग हम ही थे, हम तो जा रहे, वाला हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जो मर्जी करना चाहते हो वो करो। तो चलो यार बढ़िया है, मैं जरा थक चुकी हूँ, बैठ जाऊँ, आपकी आज्ञा हो तो। यहाँ पे मेरा बढ़िया सा टेबल तो है ही मेरे पास, ड्रेसिंग का टेबल टेबल है साथ में, इसी के साथ में मिला है ये, तो काफ़ी बढ़िया यूज़ हो रहा है। देखो अब ये ड्रेसिंग यहाँ पे है ना, तो बढ़िया यूज़ हो रहा है ना इसका, टेबल भी बैठने का। अब वहाँ पे था तो इसका यूज़ ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बैठते हैं यहाँ पे मेन गेट के सामने, अब उधर तो बैठते है नहीं, तो फालतू में पड़ा रहता था। अब ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है मेरे आजकल बैठने का। अरे ये देखो इन्होंने ये क्या किया हुआ यार, ये मेरी बेल्ट तुमने बैग की कंघी का बना दिया है, देख रहे हो ये क्या थी, ये मेरे पर्स का है भाई, तुम इसको बेल्ट बना दी तुमने अपने कंघी के लिए, वो बना दिया। ऐसे कनाते यहाँ पे बनाया जाएगा ओनली व्लॉग। और कुछ कहना चाहते हो आप, और कोई बात स्पेशल जो कहा, तुम्हें तो रहोगे घर पे शाम के टाइम, फिर रात हो जाती यार, हैं आके बैठ जाता, हाँ उसी के साथ में चले जाएंगे ना, उसको पहले बोल देना कि हम बिहार आ जाओ, फोन कर दियो जब बुनवा करने के लिए, क्योंकि फिर हाँ ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है ठीक है, ऑफ कोर्स जरा एक काम करोगे, मेरा मेरे को कपूर लाके दे दो, ये तो बंद पैकेट है। अरे यार मेरी उस रेड स्वेटर में रखा हुआ है, प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती। ओहो ये देखो मेरी शैतान औलाद उठ चुकी है, मेरा प्यारा बच्चा सोनू, नीनू खुल गया, सोनू जी, ओ सोनू जी कैसे देख रहा है पापा, अभी भी वो नींद में है, देखो अभी भी उसकी आंखें बंद हो रखी है, अभी उसकी नींद सही से नहीं खुली है, काफ़ी देर से सो रहा है, एक घंटा तो हो ही गया है, लगभग एक घंटे से ज़्यादा ही हुआ होगा तब से सो रहा है ये, आज इसने अपनी नींद अच्छे से पूरी कर ली है, अभी भी नींद में है क्या ये। उसको शायद अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, शायद से डिस्टर्ब, अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे छो जा, मेरे बच्ची आई थी छोएगी, छोरी बानी उठाओ कर देते, छो जा, वाह मेरी बच्ची कितनी अच्छी है तू, इतनी अच्छी क्यों है तू, ये गंदा बच्चा मेरे को, ये माँ, ये प्रभु क्या हो गया, सो जा, अभी से क्यों उठ रहा है तू, अभी तो बहुत टाइम है, देख बिल्ली आ गई, बाप रे, हाँ मैं बैठ जाती हूँ यार, लेकिन ये तो रो रहा है, ये ऐसे ही रोता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा,
काफ़ी देर जो है हो चुकी है। सुबह मैंने ब्लॉग बनाया, वो भी बहुत ही छोटा ब्लॉग, भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब सिंपल सा बनाया, कब ज़्यादा 10-12 मिनट का ब्लॉग है बस। यार एक ब्लॉग तो कम से कम ढंग का बनना चाहिए, आधे घंटे के करीबन, ताकि वॉच टाइम मिल सके मेरे को। और ड्रेस तो मेरी कितनी बढ़िया थी यार, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो में बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है मैंने। आज तो मैंने मेरी जो है केवल एक ड्रेस ही रिवील करी है मैंने, कल परसों देखना, अभी तो 2-3 ड्रेस और बची है जो मैंने बनाई है खुद घर पे, काट का फाट के कपड़ों को बढ़िया बढ़िया ड्रेस बनाई है। कोई कह नहीं सकता कि वो खुद बनाई हुई है, इतना अच्छा स्टाइलिश लुक दिया है मैंने उन ड्रेस को, और उसको पहन के तो गजब की वीडियो बन रही है यार, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। अब कल भी ऐसी बनाऊंगी, परसों भी, डेली, फिर अब तो 7-8 दिन ही बचे हैं, उसके बाद तो ये चले जाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा सेटअप मुझे अकेले करना पड़ेगा, और इतना आलस आता है मेरे को, मैं कैसे करूँगी, इतना टाइम तो पहले सेटअप लगाने पर लगता है, उसके बाद वीडियो शूट करूँगी, फिर उसके बाद ये बच्चा अलग से है, इसको देखूँगी कि वीडियो बनाऊँगी ये बनाने देगा। खैर वैसे तो ये खुद ही नाचने लग जाता है वीडियो पे, पर कभी कभी ये ना कैमरा बंद करने के लिए चला जाता है सीधे, तो उस टाइम पे दिक्कत है। बाकी ये मेरे वीडियो पे नाच लेगा तो कोई बात नहीं, उससे तो वीडियो और अच्छी बनती है और वायरल होती है, ये तो अच्छी बात है, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। मुझे नींद आ रही है यार, अब ये उठ गया, मैं सोना चाहती हूँ, की तो नींद पूरी हो चुकी है और अब हमारा सोने का टाइम हो रहा है। क्या कह रहे हो, कैसे मैं सो जाऊं? तुम इसको देखोगे हैं, पबजी चला चला के, तुम पबजी चलाओगे यार, इसको देखोगे यार, मैं सो जाऊं, इसीलिए कह रहे होंगे ताकि तुमको पबजी खेलने का मौका मिल जाए। हैं पापा, मेरे को नींद आने में टाइम लगेगा, तो जब तक मैं सोऊंगी तब तक मेरे सामने पबजी मत खेलना, वरना नींद नहीं आएगी। जैसे ही मुझे नींद आ जाएगी उसके बाद जब तक मैं सोई हूँ तब तक तुम भी पबजी खेलो, कोई दिक्कत नहीं, बस नेट खपना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ये व्लॉग में अभी बना रही हूँ, एडिट करके अपलोड भी आज ही करनी है, बता दिया मैंने, मेरा नेट नहीं खपना चाहिए स्वामी जी। 2-2.5 साल में बाहर आऊँगी, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4-5 साल भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से सीन रहेगा, कितना अच्छा लगता है हमको वहाँ, कितना बढ़िया लगता है, उस हिसाब से मैं वहाँ रहूँगी। और ये भी, इसकी पढ़ाई लिखाई भी वैसे वहाँ हो सकती है, ऑप्शन है बढ़िया सा, पर फिर भी देखते हैं वहाँ कैसा रहता है सीन, किस हिसाब का है, अगर बढ़िया रहेगा तो रह लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इतनी बढ़िया जगह है, इतनी सुंदर, घूमने फिरने के मतलब का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ, देखते हैं कैसा होता है, कैसा लगता है। कहाँ चलूँ, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं उसको, क्यों तो इसको क्यों ले जा रहे, वक्त तो तुम भी तो हो, तुम देखोगे उसको, क्यों दाल दबक लियो, मिर्ची लगी, हाँ ठीक है ले जाओ, यहाँ परेशानी करेगा वो, घूम फिर के आ जा, तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लूंगी, ये आराम से घूम फिर के जल्दी ऊपर आ जाना बस, और उसके बाद मैं सो जाऊंगी, जल्दी नहीं आऊंगा, मतलब क्या करना है तुमको, पहले नीचे पबजी खेलने जा रहे होंगे तुम, पहले कोई बात नहीं है, वैसे तो अगर मेरे को नींद आ जाएगी ना तो बहुत अच्छा है, मैं आराम से सो रही, पर मैंने दरवाजा बंद करके सोना है भाई, अब फिर तुम आओगे बीच में, अगर मैं सो गई भाई चांद तो मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी फिर, एक काम करना पहले कॉल करना, ये चेक करना कि मैं उठी हूँ कि नहीं, हाँ मिस कॉल करना, अगर मैं उठी होंगी जो बोलेगा मेरा दरवाजा खोलने का तो खोल दूंगी, नहीं तो नीचे चले जाइयो फिर, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बाय सोना, टाटा बाय, मैं कहाँ से लूँ, अरे फिर मैं वीडियो कट करूंगी फिर जाऊंगी, ले जाओ ना, ले जाओ स
सलवार ले जाओ उसका दे ले क्या दे लिया मेरे अब वहां पे तो इधर सलवार तो अंदर रखी नहीं है कहाँ है सलवार उसकी दो रखे ना नीचे होंगे कसे ही सलवार वाला वक्त ओके बोलियो नीचे ही तो है उसके कपड़े क्या हुआ ओहो चलो यार ये तो यहाँ से जा चुकी है अपने बच्चे को लेके अब यहाँ पे शोर शराबा तो कुछ होगा नहीं अब मैं आराम से आप लोगों के साथ बातें कर सकती हूँ जैसे ही आधा घंटा पूरा हो जाएगा फिर मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए ओह माय गॉड मैं कब से नहीं सोई ना मैं कल इतने दिन हो गए यार मैं दिन में सोई ही नहीं हूँ या तो हम इधर उधर घूमते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम होता है मतलब ज़्यादातर घूम ही रहे थे हम पूरा महीना तो हमने इधर उधर घूमने में बिताया इनके साथ में कभी कहीं कभी कहीं कभी इनके फ्रेंड्स के साथ कभी घर पे कभी बाहर बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं हम लोग पर अब ये जा रहे हैं अब मैं फिर से बोर हो जाऊँ खैर एक डेढ़ महीने की बात है उसके बाद तो मैं खुद भी चली जाऊँगी उसके बाद तो वहाँ मजे ही मजे है इतने अच्छे से रहेंगे हम पैदल पैदल चला के लेके जा रहे हैं उसको चलो यार और अब तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमने तो पंखा चलाना स्टार्ट कर दिया लेकिन इस टाइम पे तो इन्होंने बंद कर दिया लेकिन ज़्यादा तेज नहीं चलाते थोड़ा हल्का सा मतलब जो हल्की हल्की ठंड रहे अभी थोड़ी देर पहले तक तो इनको ठंड लग रही थी उन्होंने तब पंखा बंद कर दिया नहीं तो हमने सोते टाइम तो मतलब हम रात को पंखा ही चलाते रात के टाइम पे आराम से दो पे चला देते ज़्यादा तेज भी नहीं करते ज़्यादा कम भी नहीं दो पे रहता है ठीक ठाक मतलब अच्छा टेम्परेचर बन जाता है कमरे का मेरी नींद बहुत तेज आ रही है मेरे को मैं सोना चाहती हूँ गाइस आगे का व्लॉग आप लोग शूट कर लीजिए मेरे लिए और एडिट करके डाल देना मेरे चैनल पे भगवान ये जो नीचे वाला खेत है इसके ऊपर इतनी तितलियाँ वो छोटी छोटी इतनी इतनी साइज की तितलियाँ टाइप छोटी छोटी इतने सारे इतना खंचा लगा होता है थुपड़ लगा होता है मतलब इतनी सारी ढेर उड़ते रहते ऊपर पता नहीं इतना क्यों हो रहा है ये पहले तो नहीं होता पहले नहीं होता था इनको देख के अजीब लगता है ये ना एकदम खाने पे गिरते हैं गरम गरम खाने कभी कमरे के अंदर भी आते हैं ना जिस तरह भी तो कुछ गरम चीज़ रहेगी तो टप उसमें टपक जाते फिर मेरी निखड़ी हो जाती है निखड़ी ज़्यादातर दूध में जब दूध गर्म कर दिया होती हूँ मैं उसमें गिर जाती हूँ ये रो क्यों रहा है बच्चे मेरे कहाँ गए इतनी तेज क्यों रो रही है हाँ जी पता नहीं क्यों रो रहा है वो ये पापा कहाँ गए उसको छोड़ के यार अकेले बैठा है वो देखो इनको खुद तो अंदर चले गए बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया उसको रो रहा था अब तो उसकी बुआ लेके चले गए उसको अंदर मैं ऐसे बैठे बैठे सो जाऊं क्या ऐसे सो जाती हूँ मैं जब आधा घंटा हो जाए तो मुझे बता देना कि बाय हे प्रभु मेरे को सोने दो मैं सोना चाहती हूँ एक तो मुझे पता है ना कि मैं सोऊंगी जैसे मेरे को नींद आएगी ये नीचे से आएंगे मेरे को डिस्टर्ब करेंगे मेरी नींद खराब हो जाएगी नींद एक बार ऐसी हुआ मैं यहाँ अंदर सो रही थी 3-4 बजे आए ये और मेरी नींद खराब हो रही थी मतलब यार मैं समझ गई थी कि आ गए पर मैं उठी नहीं फिर भी लेटी रही मैं मुझे पता था वो खुलवाएंगे दरवाज़ा क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ था कि मैं नीचे रहूँगा तो वो तो ऐसे आए थे बीच में तो वो ज़रा देर बाहर बैठे और वहीं से चले गए फिर घर मैंने मेरे को मैं भी कच्ची नींद में थी मतलब मेरे को इतना पता लग रहा था कि हाँ वो आ गए हैं पर फिर भी मैं नींद में ही थी मैं नींद खुली नहीं मतलब केवल तो गाड़ी की आवाज़ सुनी मैंने तो ऐसी सोई रह गई मैं उसके बाद फिर बाद में ही आए 5-6 बजे करीबन
ऐसा भी होता है कभी कभार मेरी नींद इतनी गहरी लग जाती है कि उसके बाद मेरे को आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। मेरे को बस उस टाइम पे चैन से सोने दो, बस बिल्कुल रिश्ता मत करो, ऐसा सीन होता है मेरा। आज तो हमको अपनी गाड़ी का काम करवाने भी जाना था और तो क्या काम था, बस बाकी तो कुछ नहीं था। अभी इनके फ्रेंड के घर पे भी जाना है हमको थोड़ी देर में, तो शाम के टाइम पे चलेंगे जब वो आएगा 5 बजे उसके बाद। हाँ तब तक मैं सो जाती हूँ यार, कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे। हाँ अगर 5 बजे उनके घर पे जाना है तो उसके लिए तो मुझे अभी सोना पड़ेगा। ओ माय गॉड क्या करूँ, सोना पड़ेगा। चलिए गाइस अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा है। तो मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एंड बाय बाय। अब मैं चलती हूँ सोने के लिए।